श्री रामकृष्ण और साकार निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही है। सामने श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मास्टर राम, मनमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको तृप्तिपूर्वक भोजन कराया है। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से कहते हैं, परंतु आज मातृ वंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर कहते हैं, आहा, दालान की कैसी शोभा हुई है। मां मानो अपनी दिव्य छटा छिटका कर बैठी हुई हैं। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं, परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं, होते हैं। हां, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। मुझे अलोना लगता है। जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पीते। शीरे पर ही भूले रहे तो मिश्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। तुम लोग देखते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करते कुछ नहीं पाते, उनके ना बाहर है और ना है भीतर। श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। मां, आनंदमय होकर मुझे निरानंद न करना। मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे असीम सागर में डुबो दोगी। दिन रात मैं दुर्गा नाम जप रहा हूं, किंतु फिर भी मेरी दुख राशि दूर न हुई। परंतु हे हर सुंदरी, यदि इस बार भी मैं मरा तो यह निश्चय है कि संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। गीत इस आशय का है, मेरे मन दुर्गा नाम जपो। जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है, शूल पाणी शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम रात्रि हो। कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जाती हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परंतु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में नुपुर बनकर बजता रहूंगा। जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहता हुआ। मां, जब शंकरी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी, तब मैं मीन बनकर पानी में रहूंगा। तुम अपने नखों से मुझे उठा लेना। हे ब्रह्ममयी, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाएं, तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना। श्री रामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया। अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं, ओ रा जू हैं, यानी ओ राखाल जूते सब हैं। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। सुरेंद्र ने प्रणाम किया, दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर बढ़ चली। परिच्छेद 31।
सीती के ब्रह्म समाज में ब्रह्म भक्तों के साथ, संसार में निष्काम कर्म। श्री रामकृष्ण ने श्री वेणीपाल के सीती के बगीचे में शुभागमन किया है। आज सीती के ब्रह्म समाज का 6 मासी महोत्सव है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883, तीसरे प्रहर का समय। अनेक ब्रह्म भक्त उपस्थित हैं। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेरकर दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्रह्म भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त पूछता है, महाराज मुक्ति का उपाय क्या है? उपाय अनुराग, अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। अनुराग या प्रार्थना? अनुराग पहले फिर प्रार्थना। श्री रामकृष्ण सुर के साथ गाने लगे जिसका भावार्थ यह है, हे मन पुकारने की तरह पुकारो तो देखूं श्यामा कैसे रह सकती है। उसके बाद बोले, और सदा ही उनका नाम गुणगान, कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांजना होगा, एक बार मांजने से क्या होगा। और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है, यह बुद्धि चाहिए। संसार छोड़ना क्या अच्छा है? सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। जिनके भोग का अंत नहीं हुआ उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है? तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे? हां, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें। हाथ में तेल मलकर कटहल छीलें। धनियों के घर में दासियां सब काम करती हैं, परंतु मन रहता है अपने निज के घर में। इसी का नाम निष्काम कर्म है। इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे। महाराज, भोग के अंत का क्या अर्थ है? कामिनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार ना हो जाने पर, भोग का अंत ना होने पर, ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। ब्रह्म भक्त पूछता है, स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं? विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही हैं। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है। अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया? उनकी लीला।
अंधकार ना रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती, दुख ना रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता, बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। फिर आम का छिलका है, इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है। माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया, अविद्या माया आम के छिलके की तरह हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा, ये सब ठीक हैं? तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण, प्रेम। साकारवादी जिस प्रकार मां काली मां दुर्गा की पूजा करते हैं, मां मां कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम लोग इसी भाव को लो। मूर्ति को ना भी मानो तो कोई बात नहीं। वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है मां के पास जाऊंगा। मां के पास न ले जाने पर खिलौने पटक देता है और चिल्लाकर रोता है। ब्रह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्रह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त कहता है, महाराज गुरु ना होने पर क्या ज्ञान ना होगा? सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे, तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वह बड़ा कठिन स्थान है, वहां पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए जनक ने शुकदेव से कहा था, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्रह्म भक्तों में से कोई कोई श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यह सब पहले पहल एक एक बार कर लेना पड़ता है। उसके बाद फिर अर्ध्यपात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती। श्री रामकृष्ण तथा आचार्य बेचाराम, वेदांत और ब्रह्म तत्व के प्रसंग में। संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्रह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार के वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? आचार्य बेचाराम कहते हैं, जी निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का प्रवाह है। आंखों से देखा नहीं जाता पर अनुभव किया जाता है।
हां दोनों ही सत्य हैं, साकार निराकार दोनों सत्य हैं। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में सात छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पों पों करता रहता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागिनियां बजाता है। उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक भावों से। असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है, चाहे स्तव करके गिरो अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो, परिणाम एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। ब्राह्मों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है। सच्चिदानंद मानो अनंत जल राशि हैं। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर भगवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। फिर है ब्रह्म, अवांग मन सगोचरम। ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद, फिर वही अनंत वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म। उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा? पक्षी जितना ही ऊपर उड़ता है उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं, जी हां, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौटकर फिर उसने खबर न दी। एक मत में है शुकदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगाई थी। मैंने विद्यासागर से कहा था सब चीजें उच्छिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ। अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुंह से कह नहीं सका। मुख से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान हैं, यह सुनकर बहुत खुश हुए। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है, अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विह्वल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? सात फाटकों से परे राजा है, प्रत्येक फाटक पर एक एक महाऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा है? गुरु भी कह रहे हैं, नहीं, नेति नेति। सातवें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा एकदम अवाक रह गए, आनंद से विह्वल हो गए। फिर यह पूछना ना पड़ा कि यही राजा है। देखते ही सब संदेह मिट गए।
आचार्य बेचाराम कहते हैं, जी हां वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है। जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्याशक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म वाक्य मन के अतीत परब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है, इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है। ये तीनों ही गुण डाकू हैं, सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व रज तम तीन गुण हैं, इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता। एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था, ऐसे समय तीन डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे, इसे मार डालो। ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला, जान से मत मारो, हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद तीसरा डाकू लौट आया, आकर बोला, खेद है तुमको बहुत कष्ट हुआ, मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूं। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या महाशय, आप भी चलिए, आपने मेरा कितना उपकार किया, हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहां जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया। पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है, अनेक अनेक कार्यों में जकड़ जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। सत्व गुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया धर्म भक्ति यह सब सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही है छत। मनुष्य का धाम है परब्रह्म। त्रिगुणातीत ना होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इस पर आचार्य कहते हैं, अच्छा हुआ ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई। भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो? मैं कहूं तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो। तुम लोग जहाज हो, हम तो हैं मछुओं की छोटी नैया। सभी हंस पड़े।